हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजना सिंह, लेक्चरर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। आज मैं आपको डार्ट मैनिपुलेशन के बारे में बताऊंगी कि डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं। जब हम किसी भी गार्मेंट में फिटिंग देते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं कि एक तो हम गार्मेंट को उसी शेप में काटें जिससे कि उसमें फिटिंग आए। जहां कहीं भी हम फैब्रिक को कट नहीं कर सकते हैं वहां पर फिटिंग देने के लिए हम उसमें डार्ट डालते हैं। डार्ट मतलब कि जब कपड़े पर फोल्ड करके जो हम एक तिरछी सिलाई लगाते हैं उसको हम डार्ट कहते हैं, जिसमें कि एक डार्ट पॉइंट होता है और डार्ट इनटेक होता है। डार्ट इनटेक मतलब कि जितना की फैब्रिक हम उसके अंदर दबा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लोपर में या बॉडीज ब्लॉक में डार्ट की पोजीशन कौन कौन सी होती हैं। ये मैंने एक स्लोपर बनाया है, इसमें मैंने अलग अलग डार्ट्स की पोजीशन बताई हैं, जैसे कि ये अंडरबस डार्ट है, ये फ्रेंच डार्ट है, ये साइड सीम डार्ट की पोजीशन है, ये आर्मोल डार्ट है, ये शोल्डर डार्ट है, ये अपर शोल्डर डार्ट है, ये नेकलाइन डार्ट है और ये सेंट्रल फ्रंट डार्ट है। किसी भी स्लोपर में एक या दो फंडामेंटल डार्ट होती हैं, जैसे कि इस स्लोपर में ये सिंगल डार्ट स्लोपर है जिसमें कि मैंने अंडरबस डार्ट को फंडामेंटल डार्ट की तरह से यूज किया है। अब ये जो डार्ट है ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं इसी स्थान पर ही डालें। इस डार्ट को हम अपनी गार्मेंट में फिटिंग के अकॉर्डिंग कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। डार्ट की ये जो शिफ्टिंग होती है यही डार्ट मैनिपुलेशन कहलाता है कि डार्ट को किसी भी गार्मेंट में फिटिंग लाने के लिए इस डार्ट को सही अनुपात में सही जगह पर अरेंज करना यही डार्ट मैनिपुलेशन। डार्ट को मूव करवाने के या डार्ट मैनिपुलेशन के दो तरीके होते हैं, स्लैश मेथड एंड पिवट मेथड। आज मैं आपको स्लैश मेथड के थ्रू डार्ट मैनिपुलेशन बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले एक जो भी फंडामेंटल डार्ट है उसको हम बना करके काट करके निकाल देते हैं, हटा देते हैं, और जहां अब हमको इसकी जो फुलनेस, उस डार्ट की फुलनेस हमको जहां किसी भी पोजीशन पर हमको शिफ्ट करनी है वहां हम उस डार्ट को मार्क कर लेते हैं और इसको एपेक्स पॉइंट तक हम उसको कट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। मेरे को यहाँ पर मैंने फ्रेंच डार्ट मैंने बनाई हुई है जिसको कि मेरे को कट करना, उस पोजीशन पर मेरे को दूसरी डार्ट बनानी है। अब हम मैं इस पोजीशन पर इसको ये देखिए कट कर देती हूँ अपेक्स पॉइंट तक। अब मैं जो पहली मेरी जो अंडरबस डार्ट थी उसको मैं क्लोज कर देती हूं। तो ये देखिए, इस कंडीशन में मेरी यहां पर ये डार्ट मेरी बन गई है, फ्रेंच डार्ट है, ये क्रिएट हो गई है। अब मेरे को साइड सीम डार्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए भी मैं उसी प्रकार से इसको पहले मार्क करूंगी उसको उसकी जगह पर और इसको एपेक्स पॉइंट तक मैं इसको कट लगा दूंगी। ये देखिए, अब ये वाली डार्ट मैं शिफ्ट करूंगी, ये देखिए ये मेरी साइड सीम डार्ट क्रिएट हो गई है। हमको जिस भी डार्ट की जरूरत है कपड़े की फिटिंग के अकॉर्डिंग, इस तरीके से हम ये स्लैश मेथड के द्वारा हम इसको नई डार्ट को, नई स्टाइल लाइन को हम क्रिएट कर सकते हैं, नई डार्ट को हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, अब मेरे को आर्मोल डार्ट जब क्रिएट करनी है तो मैं आर्मोल डार्ट पर मार्क करूंगी और उसको मैं एपेक्स पॉइंट तक उसको कट कर दूंगी।
देखिए, अब इस डार्ट को मैं जब क्लोज करती हूँ तो ये डार्ट अपने आप नई डार्ट क्रिएट हो जाती है, आर्मोल डार्ट। ये अब नई डार्ट क्रिएट हो गई। शोल्डर डार्ट के लिए उसी तरीके से मैं इसको फिर से शोल्डर डार्ट कट करती हूँ, उसकी जगह मार्क करके अपेक्स पॉइंट तक ये देखिए, ये हमारी शोल्डर डार्ट है ना। इसी तरीके से मैं अपर शोल्डर डार्ट, नेक लाइन डार्ट, देन सेंट्रल फ्रंट डार्ट। अब मैं सेंट्रल फ्रंट डार्ट कट करती हूँ। हमको जो भी अपने गार्मेंट की फिटिंग के लिए जिस पोजीशन पर भी हमको डार्ट चाहिए, हम वहां मार्क करेंगे सबसे पहले डार्ट को, उसको कट करेंगे, देन दूसरी डार्ट को हम, जो भी हमने फंडामेंटल डार्ट ली है उसको हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ऐसे करके। ये तो अभी मैंने आपको सारे बताए थे कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पर डार्ट को हम एक डार्ट को क्लोज करके वो डार्ट की जो फुलनेस है हमारी, किसी भी जहां हम चाहते हैं वहां हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल पैटर्न बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से हम बताते हैं। जैसे इस स्लोपर में मुझे साइड सीम डार्ट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहां जहां भी डार्ट पे मार्क करके और मैंने इसको डार्ट को कट लगाया, देन मैंने जो फंडामेंटल डार्ट थी, अंडरबस डार्ट थी, उसको मैं क्लोज कर दूंगी। देखिए, क्लोज करने के लिए मैंने इस पर टेप लगा दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये मैंने ये डार्ट क्लोज हो गई और ये जो नई डार्ट थी वो इस जगह पर क्रिएट हो गई। इसके बाद हम इसमें एक इस तरीके से मैं इसमें एक नीचे मैंने पेपर लगाया, पेपर को मैं टेप कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको टेप कर लगा दिया। इस तरीके से अब मैं एक इस पे डार्ट मार्क कर दूंगी। ये नई पोजीशन पर ये डार्ट मार्क मैंने कर दी। जो भी डार्ट होती है हमें पता है कि एपेक्स पॉइंट से वो करीब 1 इंच दूर होती है, तो मैं इस पर ये मार्क लगा दूंगी। ये है ये वाला पॉइंट। अब हमारी डार्ट जो एक्चुअल में जो डार्ट है वो हमारी है ये। ये मैंने डार्ट मार्क कर दी। अब इसको देखिए, डार्ट कैसे मैं कैसे बनाऊंगी। इस डार्ट को पेपर पैटर्न पर इसको कहते हैं डार्ट क्रोइंग। देखिए, ये देखिए मेरा अब जो पेपर पैटर्न है वो ये है, ये है डार्ट क्रोइंग। इसको भी मैं यहां से भी सही कर देती हूँ। मेरा जो फाइनल पैटर्न है वो ये और ये है। मैं जो भी मैं गार्मेंट बना रही हूं उसमें मैं अब ये वाली डार्ट में उसमें
सिलूंगी और उसको ये वाली डार्ट में बनाऊंगी। तो ये है डार्ट मैनिपुलेशन का स्लैश मेथड। हम अपनी इच्छा अनुसार गारमेंट की फिटिंग के लिए हम कोई भी डार्ट को क्लोज करके और उसकी जो फुलनेस है हम दूसरी डार्ट पर हम शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि कपड़े में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये होता है डार्ट मैनिपुलेशन का स्लैश मेथड।